हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम पील काशिल। पील काशिल पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक कलेक्शन पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोयम। आई विल एक्सप्लेन दिस पोयम इन हिंदी। पूरा हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाई वन। सो टू अंडरस्टैंड द पोयम प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली टिल एंड, लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज दाई नेबर वंस दाउ रक्ट पाइल फॉर फोर समर वीक्स आई ड्वेल्ट इन साइट ऑफ दी आई सा दी एवरी डे एंड ऑल दी व्हाइल दाई फॉर्म वॉज स्लीपिंग ऑन अ ग्लैसी सी। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि दाउ रक्ट पाइल। दाउ इट मीन्स यू, रक्ट इट मीन्स जो वेल बिल्ट मजबूत, पाइल इट मीन्स दुर्ग, काशिल, पाइल का मीनिंग होता है कासिल। सो जो मजबूत और विशाल ये जो दुर्ग है, तो उसको एड्रेस करते हुए यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि जो तुम इतने मजबूत ये काशिल हो, दुर्ग हो, मैं तुम्हारे बगल में पड़ोस में रहा हूँ फोर समर वीक्स, चार गर्मियों के सप्ताह में। इट मीन्स फोर समर वीक्स इट मीन्स एक महीने लगभग मैं तुम्हारे पड़ोस में रहा हूँ और उस दौरान मैं सिर्फ तुम्ही को देखा करता था। ऐसा दी एवरी डे एंड ऑल दी व्हाइल, और हर क्षण देखा करता था तुम्ही को और तुम्हारे रिफ्लेक्शन को। दाई फॉर्म वॉज स्लीपिंग ऑन अ ग्लैसी सी, सी इट मीन समुद्र, समुद्र में चमकता रहता था शीशे की तरह, जो तुम्हारी परछाई है वो लेटी हुई, वो स्लीपिंग लेटी हुई सी चमकती रहती थी हमेशा, मैंने उसको देखा और वो हमेशा वहाँ बनी रहती थी। चलिए इसके पहले मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस बता दूँ, पोएम का रेफरेंस क्या है। एक्चुअली एक दिन कवि ने एक चित्र देखा, एक पिक्चर को देखा, एक चित्र देखा जिसमें समुद्र तट पर स्थित पील कासल नामक दुर्ग को, जो ये दुर्ग अभी हमने पढ़ा है पील कासल दुर्ग, इसके चित्र को बना हुआ देखा। और वो चित्र ऐसे बना था कि दुर्ग को ऐसा दिखाया था कि ये तूफान से उद्वेलित जो लहरें थीं उनकी चपेटों में भी अविचलित खड़े हुए दिखाया गया था। तो उस चित्र को देख करके उक्त चित्र में चित्रित जो पील कासल है उसको संबोधित करते हुए कवि कहता है, एक ड्राइंग है, एक पिक्चर है जिसमें कि पील कासिल बिल्कुल तूफानों में खड़ा हुआ है लेकिन फिर भी अविचलित खड़ा हुआ है। जो समुद्र की लहरें हैं, तूफानी लहरें हैं, उसके बीच में भी वो दुर्ग जो है बहुत अविचलित खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं है। और तो उस चित्र को देख करके, उस पील कासिल, उस फिगर में देख करके, उस पील कासिल को, दुर्ग को देख करके तब संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे शक्तिशाली दुर्ग, किसी जमाने में, इट मीन्स किसी समय मैं तुम्हारा पड़ोसी रहा था और मैं लगभग चार सप्ताह तक गर्मियों के, ग्रीष्म ऋतु के, जो गर्मी का सीज़न होता है उसके चार सप्ताह तक एक मकान में तुम्हारे पास में रहा था और मैं तुम्हें प्रतिदिन देखता था दुर्ग, मैं तुझे प्रतिदिन देखा करता था। जब भी मैं तुझे समुद्र तट से देखता था तो तेरा प्रतिबिंब शीशे जैसे समुद्र तल में सोया हुआ सा नज़र आता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो प्योर द स्काई, सो क्वाइट वॉज द एयर, सो लाइक, वेरी लाइक वॉज डे टू डे, वैन एवर आई लुक्ड द इमेज स्टिल वॉज देयर, इट ट्रेम्बल्ड बट इट नेवर पास्ड अवे। तो उन दिनों जो स्काई थे, इट मीन्स उस समय का एनवायरनमेंट बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ जी, तो वो बोलते हैं कि उस समय जो आकाश था वो भी बिल्कुल क्लियर रहता था, इट मीन्स विदाउट क्लाउड ही रहता, क्लाउड रहता था, बादल रहित रहता था, तथा जो एयर भी थी वो भी एकदम क्वाइट रहती थी, शांत रहती थी, तथा दिन प्रतिदिन जो आकाश और वायु उसी दिशा में रहा, उसी दशा में रहा करते थे। जब भी मैं समुद्र के धरातल पर देखता था तो तेरा प्रतिबिंब, इट मीन्स दाई इमेज, जो दुर्ग की इमेज है वो हमेशा वहाँ पर मुझे दिखती थी। इट मीन्स बिल्कुल उस समय जो सीज़न था एकदम क्लियर रहता था, हवा एकदम शांत बहती थी, बहुत अच्छे से बहती थी, और जब भी मैं तुम्हारी इमेज को उस समुद्र में देखता था, उस समुद्र के धरातल पर देखता था, तो तुम्हारी इमेज हमेशा मुझे वैसी ही दिखती थी, प्रतिबिंबित होती रहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा इट ट्रेम्बल्ड, जैसे लहरें उठती थी, लहरों की गति से वो कांप जरूर जाती थी, कंपायमान होती थी, लेकिन गायब कभी भी नहीं होती थी, बट इट नेवर पास्ड अवे। सो ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ परफेक्ट वॉज द काम, इट सीम नो स्लीप नो मूड विच सीजन टेक्स अवे आर ब्रिंग्स, आई कुड हैव फैंसीड दैट द माइटी डीप वॉज इवन द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल जेंटल थिंग्स। नाउ परफेक्ट वॉज द काम, पोइट कहते हैं कि उस दिनों जो एटमोसफियर था बिल्कुल शांत रहता था और मेरा नेचर भी जो था
वो भी कितना शांत रहता था, हाउ परफेक्ट वॉज द काम, इट मीन्स जो मेरा नेचर भी था, मेरी भी जो चित्तवृत्ति थी बिल्कुल शांत रहती थी, परंतु जो वो मेरा नेचर था वो कोई डे ड्रीम नहीं था, इट वॉज नो स्लीप, कोई ऐसा नहीं था कि मैं नींद में ऐसा किया करता था, वो मैं रियल में ऐसा था, मेरा नेचर उस समय ऐसा था जो कि मौसम के साथ उत्पन्न, अगर सीज़न बड़ा अच्छा है तो मेरा नेचर भी बहुत अच्छा हो जाता था, आई कुड हैव फैंसीड दैट द माइटी डीप। तो मैं उस समय ये सब चीज़ें मुझे बहुत रोमांचित करती थी, अच्छा सा सीज़न देखा, अच्छा मौसम देखा, और ये नेचुरल चीज़ें बहुत रोमांचित करती थी, और मैं उस समय इमेजिन कर सकता था कि एक जो शक्तिशाली महासागर है वो संसार की सबसे सौम्य वस्तुओं में सबसे अधिक सौम्य है, वो इवन द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल जेंटल थिंग्स, क्योंकि उस समय तक जो पोइट है वो अपने इमेजिनेशन में ज़्यादा खोया रहता था, इसलिए पोइट कहते हैं कि मेरा उस समय ऐसा नेचर था कि मुझे ऐसा लगा, अपने नेचर के कारण ऐसा लगा, और समुद्र को मैंने इतना शांत देखा उस दौरान कि मुझे ऐसा लगा कि ये समुद्र जो है वो शक्तिशाली महासागर है, और ये संसार की सबसे सॉफ्ट, इट मीन्स सबसे भोली वस्तुओं में से भी सबसे अधिक सौम्य है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देन इफ माइंड हैड बीन द पेंटर्स हैंड टू एक्सप्रेस वॉट देन आई सा एंड एट द ग्लीम द लाइट दैट नेवर वॉज ऑन सी आर लैंड द कॉन्सिक्रेशन एंड द पोइट्स ड्रीम। देन इफ माइंड, पोइट कहते हैं कि अगर उस समय मैं चित्रकार होता, यदि उस समय मैंने मतलब एक पेंटर के हैंड होते मेरे पास, इट मीन्स मैं अगर ड्राइंग कर सकता होता, टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस व्हाट देन आई सा, उस समय जो मैंने देखा था, एंड द ग्लीम, तो मैं तुम्हारा फिगर अवश्य बनाता और उसमें ऐसी ग्लीम, इट मीन्स चमक, तो मैं उसमें ऐसी चमक उत्पन्न करता, द लाइट दैट नेवर वॉज ऑन सी आर लैंड, जो कभी भी न समुद्र और पृथ्वी कहीं भी नहीं देखी गई थी, द कॉन्सिक्रेशन एंड द पोइट्स ड्रीम, और ऐसा ऐसा और मैं उसमें ऐसा कॉन्सिक्रेशन, इट मीन्स डेडिकेशन से यहाँ पर मतलब है, ऐसा डेडिकेशन और कवि की कल्पना को, कवि के इमेजिनेशन को प्रदर्शित करता, स्वप्न को प्रदर्शित करता, जैसा कि कभी किसी ने नहीं देखा था, या उसकी ऐसी दिव्य ज्योति उत्पन्न कर देता कवि की सोच से, कवि के ड्रीम से और डेडिकेशन से, कि जैसे कभी किसी ने नहीं देखी थी। नेक्स्ट, आई वुड हैव प्लांटेड दी दाउ हॉरी पाइल, हॉरी इट मीन्स एंसियंट, प्राचीन दुर्ग, हे प्राचीन दुर्ग, चित्रकार के रूप में मैं तुम्हें एक ऐसे विश्व में स्थित दिखलाता, एमिड अ वर्ल्ड हाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस, एक ऐसे विश्व में स्थित दिखलाता जो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिसाइड अ सी दैट कुड नॉट सीज टू स्माइल, ऐसे समुद्र के बगल में तुम्हें मैं दिखाता जिसकी कि कभी मुस्कुराहट ही ना रुकी हो, सीज इट मीन्स स्टॉप टू स्माइल, जो हमेशा मुस्कुराता रहता, इट मीन्स हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमेशा शांत और ऑन ट्रैंक्विल लैंड, और मैं तुम्हें एकदम शांत भूमि पर और बीनीथ द स्काई ऑफ ब्लिस, जो स्वर्गीय आशीर्वादों से भरा हुआ आकाश है उसके नीचे और एक शांत भूमि पर तुम्हें निरंतर मुस्कुराता हुआ दिखाता। ये पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उसने चित्र को बनाया होता तो। सो ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, अ पिक्चर हैड इट बीन ऑफ लास्टिंग ईज, इलेजियन क्वाइट, विदाउट टॉयल आर स्ट्राइफ, नो मोशन बट द मूविंग टाइड, अ ब्रिज आर मेयरली साइलेंट नेचर्स ब्रीथिंग, सच इन द फॉर्म, अ पिक्चर हैड इट बीन, सिक्स्थ पैराग्राफ है एक्चुअली, इलिजियन क्वाइट, इट मीन्स इलिजियन में जो इलिजियन जो होता है वो स्वर्ग का नाम है जहाँ पर अच्छी आत्माएं जाती हैं, ऐसा ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है कि इलिजियन जो है वो एक अच्छी आत्माओं के लिए बनाया हुआ स्वर्ग है। अ पिक्चर हैड बीन ऑफ लास्टिंग ईज, और मैं ऐसा चित्र बनाता जो आनंद आराम और स्वर्गीय शांति से युक्त तो होता, जिसमें कि विदाउट टॉयल, कोई परिश्रम ना होता, आर स्ट्राइफ या संघर्ष ना होता, और उसमें गतिमान समुद्र तथा जो हल्की हवा के चलने के अलावा और कोई चीज़ ना होती, नो मोशन बट द मूविंग टाइड, सिर्फ एक हल्की हवा चल रही होती, कोई मोशन ना होता, और अगर कुछ होता भी, आर मेयरली, अगर कुछ होता भी तो साइलेंट नेचर्स ब्रीदिंग, तो शांत प्रकृति की जीवन होता, इट मीन्स जैसे पक्षी तथा मछली, ऐसी चीज़ें होती। सो नाउ लेट्स सेवेंथ नंबर स्टेंजा, आई होप फ्रेंड्स कि आपको पोएम समझ में आ रही होगी, सो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक, एंड इफ समवन इज़ वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, सो दैट यू कैन गेट सच टाइप ऑफ वीडियोज टाइमली, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। नाउ सेवेंथ स्टेंजा, सच इन द फॉन्ड इल्यूजन ऑफ माई हार्ट, सच पिक्चर वॉट वुड आई एट
दैट टाइम हैव मेड एंड सीन द सोल ऑफ ट्रूथ इन एवरी पार्ट सच इन द फॉन्ड इल्यूजन. इट मीन्स उस समय अपने हृदय की जो फुलिश इमेजिनेशन था मैंने तुम्हारे चित्र को बनाने के लिए किया था, उस चित्र के प्रत्येक पार्ट में मुझे ट्रूथ की, इट मीन्स सोल ऑफ ट्रूथ जो है सच्चाई की आत्मा के दर्शन देखता था मैं, और उस ऐसी स्थिर शांति देखता था जो कभी भी नहीं भंग होने वाली थी. उस समय मैं जो भी मैंने तुम्हारे बारे में इमेजिनेशन किया था अपने हार्ट में अपने दिल में उस चित्र को लेकर के, और कि तुम्हारा ऐसा चित्र बनाया होता, तो उस चित्र के प्रत्येक पार्ट में मैंने सत्य की आत्मा की झलक देखी थी और हमेशा स्थिर शांत देखा जो कि कभी भंग होने वाला नहीं था. सो ओके नाउ 8th नंबर स्टेंजा. सो वंस इट वुड हैव बीन टिस सो नो मोर आई हैव सबमिटेड टू अ न्यू कंट्रोल अ पावर इज गॉन विदाउट नथिंग कैन रीस्टोर अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल. तो ऐसा कभी हुआ था, इट वुड हैव बीन, वंस इट वुड हैव बीन, टिस सो नो मोर, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है क्योंकि आई हैव सबमिटेड टू अ न्यू कंट्रोल. जो मेरी इमेजिनेशन है, जो मेरे विचार शक्ति है, और उसको मैंने किसी दूसरे के हाथों में दे दिया है. ऐसा हम इसको समझ सकते हैं कि पहले जो चीज़ें मेरे को रोमांच पैदा करती थी, अब मैंने रियलिटी को जान लिया, अब वो मुझे रोमांचित नहीं करती हैं. पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि पहले मैं पक्षी की तरह उड़ान भरा करता था खुले आकाश के नीचे, क्योंकि मुझे जीवन की सच्चाइयाँ नहीं पता थीं, लेकिन अब मैंने जीवन के यथार्थ को जान लिया है और मेरा जो इमेजिनेशन पावर है वो मैंने लाइफ के रियलिटी को के कंट्रोल में दे दिया है. अब मैं जीवन की को रियलिटी में देखने लगा हूँ, ना कि एक स्वप्न लोक के रूप में, एक ड्रीम के रूप में देखने लगा हूँ. अब पावर इज़ गॉन. अब मेरे अंदर वो जो पावर भी था जिससे कि मैं इतना इमेजिन कर लेता था और उड़ता रहता था, अनियंत्रित उड़ान भरता रहता था, वो शक्ति भी चली गई है. अनियंत्रित उड़ान की एक शक्ति जो इमेजिनेशन की अनियंत्रित उड़ान थी कि मैं, वो भी चली गई, विच नथिंग कैन रिस्टोर, जिसको कि मैं दोबारा पा भी नहीं सकता हूँ, उसको मैं वापस नहीं ला सकता हूँ. अ डीप डिस्ट्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, अ डीप डिस्ट्रेस, क्योंकि एक गहरा दर्द है मेरे पास. तो क्या दर्द है पोइट का? एक्चुअली 1805 में जो पोइट का भाई थे जॉन, उनकी समुद्र में ही डूब के डेथ हो गई थी. तो इस चीज़ ने पोइट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिससे कि हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल, और इस घटना ने मेरी आत्मा को मानवीय आत्मा बना दिया, और जो कष्ट मैंने झेला है उस कष्ट ने मेरे को बिल्कुल संसार की वास्तविकता से परिचित करा दिया है कि ये संसार में कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियलिटी है. और दर्द है, जो दर्द मैं झेल रहा हूँ, डीप डिस्ट्रेस, उस तनाव ने, उस डिस्ट्रेस ने, उस दुख ने मेरी आत्मा को मानवीय आत्मा में परिवर्तित कर दिया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. पोइट कहते हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी किसी मुस्कुराते हुए समुद्र के बारे में नहीं सोच सकता हूँ. नॉट फॉर अ मोमेंट कुड आई नाउ बिहोल्ड, इट मीन्स किसी के बारे में भी ऐसा नहीं देख सकता हूँ कि कोई ए स्माइलिंग सी, कि कोई मुस्कुराता हुआ समुद्र. एंड बी व्हाट आई हैव बीन द फीलिंग ऑफ माय लॉस, और ना ही पहले जैसा सोच सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर जो मैंने नुकसान उठाया विल नेवर बी ओल्ड. जो मेरे अंदर दर्द छिपा है वो एहसास कभी भी मेरे दिल से जा नहीं सकता, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता. नेवर बी ओल्ड, इट मीन्स कभी फेड नहीं हो सकता. दिस विच आई नो आई स्पीक विथ माइंड सरेन, जिसका कि जिक्र मैं इतने शांत चित्त से कर रहा हूँ, इतने शांत मस्तिष्क से कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो दर्द मेरे अंदर है वो मैं ही जानता हूँ. दिस विच आई नो. नेक्स्ट स्टेंजा. देन एक्चुअली दिस पोएम इज ऑफ 14 स्टेंजा, 14 स्टेंजा है इस पोएम में, तो हम 10th पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और बचा है. देन ब्यूमेंट फ्रेंड हु वुड हैव बीन द फ्रेंड इट इफ ही हैड लिव्ड ऑफ हिम हुम आई डब्लोर. अगर बोमेंट, इट मीन्स जो पेंटर है बोमेंट होते, तो वास्तव में तुम भी जॉन के फ्रेंड होते. हु वुड हैव बीन द फ्रेंड इफ ही हैड लिव्ड, अगर वो जीवित होता तो तुम आज उसके फ्रेंड होते. दिस वर्क ऑफ दाइन आई ब्लेम नॉट, मैं तुम्हारे इस वर्क की जो तुमने ये पेंटिंग बनाई है उसका मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ. जो तुमने पेंटिंग बनाई है मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि तुमने क्रोध से भरे हुए समुद्र की तथा शोक से भरे हुए समुद्र तट की पेंटिंग बनाई है. दिस सी इन एंगर एंड दैट डिसमेल शोर, ग्लूमी शोर, जो इट मीन्स जो दुख भरी लहरें हैं और समुद्र तट, उसको दिखाया है.
इलेवेंथ नंबर स्ट्रेंजा, वट इज़ अ पैसनेट वर्क येट वाइज एंड वेल, ये जो तुम्हारी रचना है, ये जो तुम्हारा पेंटिंग है, ये बहुत सिंपैथेटिक वर्क है और बहुत बुद्धिमानीपूर्ण और अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। वेल चूजन इज़ द स्पिरिट दैट इज़ हियर, और तुमने जो इसका इसमें इसमें जो दिखाने की कोशिश की है और मैं उसको देख रहा हूँ, और जो तुम इसमें जिस्ट डालना चाहते हो, जो एक सार देना चाहते हो इस चित्र के माध्यम से, वो ये है दैट हल्क विच लेबर्स इन द स्टडी स्वेल, कि ये जो जहाज है वो मानव शरीर है और जो समुद्र है वो संसार है, जीवन है, और जो ये जहाज है जैसे कि कठिन मेहनत कर रहा है लहरों को पार करते हुए आगे निकलने के लिए, उसी तरीके से मनुष्य का जीवन होता है समुद्र रूपी जीवन में, जो जो ये जीवन रूपी जो समुद्र है, जीवन रूपी समुद्र है, इसके संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। दिस रूफुल स्काई, इस रूफुल स्काई इट मीन्स दुख से भरा हुआ आकाश, एंड दिस पेजेंट्री ऑफ फियर, और जो भय का दृश्य तुमने दिखाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। एंड दिस ह्यूज कासल स्टैंडिंग हियर सबलाइम, आई लव टू सी द लुक विथ विच इट ब्रेव्स, और जो ये विशाल दुर्ग खड़ा हुआ है एकदम शान से, लॉफ्टीनेस के साथ, बहुत उत्कृष्टता के साथ, जो बहादुरी, आई लव टू सी द लुक विथ विच इट ब्रेव्स, बहुत बहादुरी के साथ दिख रहा है, इसको देख करके मुझे बड़ा खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केस्ड, केस्ड इट मीन्स ड्रेस्ड इन द अनफीलिंग आर्मर, जिसने कि ओल्ड टाइम के, पुराने समय के जो पत्थरों का टिकाऊ कवच पहन रखा है, यह दुर्ग बिजली, लाइटिंग द फायर्स, विंड और भयानक हवा, एंड ट्रैम्पलिंग वेव्स, और कुचलने वाली लहरों का साहसपूर्वक सामना कर रहा है। फेयरवेल, फेयरवेल द हार्ट दैट लिव्स एलोन हाउस इन अ ड्रीम, फेयरवेल इट मीन्स गुड बाय। अब पोइट, कवि अपने उस रोमांचवादी हृदय, जो उनका रोमांचवादी वाला हृदय था, जो जिसके कारण वो बहुत दूर चले जाते थे इस रियल संसार से, इस मानव जीवन की सीमाओं से बहुत दूर चले जाते थे, उसको गुड बाय कहते हैं, अलविदा कहते हैं, और कहते हैं कि वास्तविक जो मानव जीवन है वही रियल है। मैं जो इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में पहुंच जाता था भ्रमण करने के लिए, चला जाता था अकेले ही इस मानव जीवन की सीमाओं से दूर, तो अब वो उस चीज़ को मैं अलविदा कर रहा हूँ, मैं गुड बाय बोल रहा हूँ, क्योंकि सच हैप्पीनेस वेयर एवर इट बी नोन इज़ टू बी पिटीड फॉर इट्स श्योरली ब्लाइंड, क्योंकि ये जो चीज़ होती है वो हमेशा अंधा बना देने वाली होती है। प्रत्येक दशा में जो रोमांचक दिवा स्वप्न का काल्पनिक सुख होता है वो निरर्थक होता है, क्योंकि जो मानव के जीवन की सच्चाइयों के प्रति हमें निसंदेह अंधा बना देता है। बट वेलकम फॉर्टिट्यूड एंड पैशन चीयर एंड फ्रिक्वेंट साइट ऑफ वॉट इज़ टू बी बॉर्न, लेकिन कभी स्वागत करते हैं उस सहन शक्ति का, फॉर्टिट्यूड इट मीन्स सहन शक्ति का और धैर्य का, कि जो खुशी से प्राप्त होती है, एक पेशेंस से प्राप्त होती है खुशी, उसका स्वागत करते हैं। एंड फ्रिक्वेंट साइट्स ऑफ व्हाट इज़ टू बी बॉर्न, और कहते हैं कि वह मुसीबतों के ऐसे दृश्यों को अक्सर करके देखने का के बारे में बोलते हैं, कि इन जो इस तरह की हम पेंटिंग देख रहे हैं, इस तरीके से भी बुरा जीवन में हो सकता है। सच साइट्स आर वर्ड्स आर एज आर बिफोर मी हियर, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, लेकिन मैं उस सहन शक्ति का हमेशा स्वागत करता हूँ धैर्य के साथ, उस खुशी का स्वागत करता हूँ जो कि उस मुसीबत के समय में धैर्य बनाए रखते हुए और सहन शक्ति बनाए रखते हुए उस मुसीबत को सहन करते हैं और अपने हृदय में एक होप लेकर के चलते हैं कि हम इससे उबर जाएंगे, इस मुसीबत का सामना कर लेंगे। नॉट विदाउट होप वी सफ़र, हमेशा हमारे अंदर एक आशा रहती है कि हम इससे संघर्ष करके निकल जाएंगे। एंड वी मॉर्न, मॉर्न इट मीन्स टू बियर अ सोरोस, दुख को सहने की क्षमता हो जो होती है, उस सहन शक्ति का कभी स्वागत करता है। तो सो फ्रेंड्स, ये थी पोएम पीलकाशिल, और डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।